दोस्तों आज आपका बहुत स्वागत है हमारी सबसे तगड़ी वीडियो में। इसका टाइटल हमने रखा है हाउ टू स्कोर अबव 90% इन मैथ। क्लास नाइन्थ में सबसे ज़्यादा लोगों को साइंस भी हो जाती है, एसएसटी भी रट्टा मार के हो ही जाती है, लेकिन मैथ में एक चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैथ के बारे में हमने सोचा एक वीडियो बनाए और अपने दोस्तों की, अपने स्टूडेंट्स की मदद करें। हमारा ये संकल्प नहीं है कि हम आप लोगों को मोटिवेशनल वीडियो दिखाएं और फिर आपको गुमराह करें। इधर उधर मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। अब बिल्कुल करंट अफेयर के बारे में, करंट अफेयर के नॉलेज से चलता हूँ, यानी कि आप इस ज़माने में अगर ये करेंगे तो ये होगा। तुम्हारा पहला जो संकल्प है, यानी कि पहला पॉइंट है कि लोग आजकल बहुत एक फैशन बन गया है कि जितनी रिफ्रेशर बुक होगी उतना ज़्यादा लैट होगी। लोग रख तो लेते हैं 100-100 बुकें, 10-10 बुकें, 20-20 बुकें, ढेर सारी खरीद के रिफ्रेशर, लेकिन पढ़ एक भी नहीं पाते। खरीदते हैं इतनी सारी, पढ़ एक भी नहीं पाते। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से बता दूं आपको 70% से लेके 80% तक आपके एग्जाम में आता है। जो बुक में से 70% से लेके 80% आपके एग्जाम में आता है, उसका नाम कुछ और नहीं, उसका नाम भाइयों बहनों एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी है वो राजा। इस राजा को अगर पढ़ लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि आजकल यही लोग नहीं पढ़ रहे। आजकल लोग क्या ढूंढ रहे हैं, कोई आरएस अग्रवाल ढूंढना है, कोई आरडी शर्मा ढूंढना है, कोई फलाना क्या महान बुक रख लेते हैं, लेकिन पढ़ भी नहीं पाते। लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपका जो ये है, 70% से 80% एग्ज़ाम आपका एनसीईआरटी से आता है। और जबकि आपने, अगर आपके पास आरडी शर्मा होगी भी, तो आपने आरडी शर्मा में भी देखा होगा कि आरडी शर्मा में से जो भी 50% से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी के कॉपीराइट हैं, यानी कि एनसीईआरटी के बगल में ऐसे मार्क बना के दे रखा है कि वो एनसीईआरटी का है। अब दूसरा पॉइंट है, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको एनसीईआरटी पहले करो पूरी, टोटल 100% एनसीईआरटी करने के बाद आप सेकंड पॉइंट पे आइए। फर्स्ट पॉइंट जब तक से आपसे प्रॉपर नहीं होगा तो आपका सेकंड पॉइंट पे नहीं आएंगे, वरना आपके 90% का टारगेट फेल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा है रिफ्रेशर बुक, ठीक है। रिफ्रेशर बुक्स आप पढ़ सकते हैं फॉर योर अपडेट टू नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज के लिए आप रिफ्रेशर बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले एनसीईआरटी है ना, पहले एनसीईआरटी होगा तभी आपका काम चलेगा, वरना रिफ्रेशर बुक कोई फायदा नहीं है। आप रिफ्रेशर बुक बैठ कर जाएंगे क्योंकि इसमें एडवांस थोड़े फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कुछ दिमाग घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से आते हैं। मैं मान सकता हूँ पेपर में 20% इससे आता है जो कि सेक्शन डी में आता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो भी उसी में लोग गुजर मुचड़ जाते हैं और ये एनसीईआरटी वाले खो बैठते हैं, ठीक है। तो रिफ्रेशर बुक की मैं बात करूँ तो रिफ्रेशर बुक आप खुद दे सकते हैं जो कि फेमस है, एक आर डी शर्मा है, ठीक है, और आर एस अग्रवाल है, और एक्सेट्रा, क्योंकि आपको कई सारी बुक मिल जाएंगी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप आर डी शर्मा लीजिए, आर एस अग्रवाल लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको नेट पे डालिए, पूरा धड़ाधड़ आपको मिल जाएगा रिफ्रेशर की बुक कौन सी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ पहले एनसीईआरटी, बिना एनसीईआरटी के सेकंड पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे। अब जब सेकंड पॉइंट आपसे हो गया, वो हो गया तो बहुत बड़ी बात है, सेकंड पॉइंट भी हो गया और आपके पास टाइम बचा है, इफ़ यू हैव टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टू पॉइंट, टाइम बचा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यू लाइक इस्तेमाल करना है। और यू लाइक में, क्योंकि आपके सैम्पल पेपर होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं, और जो कि इस दो पॉइंट जो आपने पढ़ा है इन दोनों के हिसाब से सैंपल पेपर आपके पैटर्न के हिसाब से यू लाइक में आते हैं, क्योंकि यू लाइक जैसे, और फिर आप सैंपल पेपर कोई दूसरी बुक सैंपल पेपर बुक कर लीजिए, या फिर आपकी मर्जी आप नेट से निकाल के पीडीएफ में करिए या नेट से निकाल के सैंपल पेपर कर सकते हैं। तो ये तीन पॉइंट जब तक आपके नहीं हो पाएंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तीन पॉइंट पहले करिए, फिर उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आइए। दोस्तों तो ये एक हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आने का या किसी भी एग्ज़ाम में आने का, 90% ऐसे पैटर्न के चांस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं साथ में, पैलोग्राम में, और डायगनल भी होती है। तो हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द फोर एंगल ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी आपके चारों एंगल हैं इन पैलोग्राम ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी डी एंगल है और जो कि पैलोग्राम है ए बी सी डी। इससे पहले क्वेश्चन से करने से पहले आपको पैलोग्राम की
थ्योरी थ्योरेटिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए, और आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्या होती है। हम गिवन में ले सकते हैं, हमें एक गिवन में ये दे रखा है फिगर में, पहले से आपको दे रखा होता है, कोई बहुत कम फिगर होती है आपको नहीं दे रखा, फिगर बनानी पड़ती है। इसमें हम ले सकते हैं कि जो एंगल बी सी डी है, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, बी सी डी आपको 2a दे रखा है, ठीक है, बाकी आपको सी बी डी है वो 3a दे रखा है, और दूसरा आपको बी डी सी है वो 5a दे रखा है। तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे ये एंगल दे रखे हैं, हमें पता है कि क्या क्या एंगल है। उसके बाद हम सीधा सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम जाया करते हुए, कि यहाँ पे है क्या, ये एक एंगल दो एंगल यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इंटू टू कॉन्वेक्स पॉइंट, या ये डायगनल, ठीक है ये मान लेते हैं डायगनल है, हम मान लेते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे थ्योरम नहीं आई है डायगनल वाली, तो ये हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल में देखेंगे हम तो हमें दिख जाएगा कि ये चार एंगल हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि 2a + 3a + 5a इज इक्वल टू 180, क्यों, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। और आपको ये नहीं पता रहेगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, तो आपको कोई फायदा नहीं है ये क्वेश्चन देखने से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी बेसिक थ्योरम पता होनी चाहिए। उसके बाद हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता, प्लस करना होता है, ये हमें 10 है, 3 2 5 हो गया आपका, और इसके बाद हम यहाँ पे 18 डिग्री एक वैल्यू आ गई, अब एक ही वैल्यू 18 डिग्री आ गई, तो हम यहाँ से हर एक एंगल निकाल सकते हैं ना, यानी कि पहला एंगल क्या था बी सी डी, तो हम एंगल बी सी डी को 2a से अगर निकालें तो 2 × 18, ठीक है, हम 2 × 18 के अगर हिसाब से देखें तो 8 × 16, ठीक है 36 हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा एंगल देखें तो सी बी डी है जो कि 3 से है, 3 × 18, तो ऐसे ही क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब देख सकते हैं 8 × 24, 3 × 3 = 45, 54 डिग्री। कुछ बात ये भी दे सकते हैं हम कि यहाँ पे आपको जो 5a है सी बी डी, नहीं सी बी डी नहीं है आपका 5a, सॉरी बी डी, बी डी सी है आपका 5a, बी डी सी थोड़ा गलत हो गया, तो बी डी आपका 5a है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री आ गया, तो यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, ये वाला आपका निकल गया, ये वाला आपका निकल गया, ये वाला आपको 36 निकला, ये वाला आपको 54 निकला। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो हम अभी देखेंगे, स्टेप करिए, तो यहाँ पे हमने, मैंने सेकंड यहाँ पे हमने कर लिया था, पूरा निकाल लिया था, और जो हमने निकाली थी कि ये 90 निकला था, ये 36 निकला था, और ये 54 निकला था, तो हम इसे काट के 54 ले सकते हैं, और इसे काट के 36 लिख सकते हैं, और इसे काट के हम 90 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है, तो हमारे एंगल निकल आए। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि 4 एंगल निकालने, यानी कि ये प्रॉपर एंगल निकालना, ये वाला प्रॉपर एंगल निकालना, ये वाला निकालना, ये वाला निकालना, डरने की कोई जरूरत नहीं होती, दिमाग चलाना होता है इसमें, हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, सॉरी, और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। और इसके बाद तो हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 360 डिग्री, यानी कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ये 180 180 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री हमारा
पूरा एंगल होता है। तो हम ये ले सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, जो कि आपका 360 हो जाएगा। 360 होने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी ले सकते हैं, ये ब्रैकेट में क्या इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि एंगल इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। तो क्या मैं इसे ऐसे ले सकता हूँ कि टू एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360, क्योंकि मैंने देखा और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, टू ए एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में ए इज इक्वल टू डी है। तो मैंने ए डी ले लिया और बी ने सी को लपेट लिया, तो यहाँ पे ए प्लस बी आ गया और ये आ गया। अब हम देख सकता हूँ कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो 180 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर ये 2 जाए और ये हटे तो यहाँ पे ये 180 हो सकता है, ठीक है, 180 हो सकता है। तो ऐसा ही सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं चाहता तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट याली मैंने ली थी, मैं चाहता ये यहाँ पे आपका ए प्लस बी की जगह मैं चाहता यहाँ सी प्लस डी लेता। तो चलिए मैं ले लेता हूँ सिमिलरली सी प्लस डी भी आपका अगर होगा 180, क्योंकि अगर मैंने ए प्लस बी लिख सकता हूँ तो सी प्लस डी भी लिख सकता हूँ इसे फिर बदल करके, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। सी प्लस डी अगर मैं लिखूँ तो मुझे क्या करना होता कि सी ए है, सी के इक्वल क्या है बी है, तो सी को मैं बी बी की तरह ले सकता हूँ और ये डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि सिमिलरली सी प्लस डी यानी कि हमारा सी सी रहेगा, डी हमारे पास 90 है, ठीक है, 180, तो 180 के अनुसार मैं यहाँ सी इज इक्वल टू 90 लिख सकता हूँ, सी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला 90 पूरा। अब फिर उसके बाद याली थ्योरम आपको पता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरोग्राम एंड इक्वल, अगर सी और डी दोनों इक्वल है तो यानी कि सी का अपोजिट ये वाला एंगल बी, सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है, एंगल हो गया। एंड डी का अपोजिट ए यानी कि डी इज इक्वल टू एंगल ए, ये भी 90 निकल आया। तो ये पूरा आपका सॉल्यूशन हो चुका है कि सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 90, डी इज इक्वल टू ए 90। तो बस हमने देखा दोस्तों कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मुझे पता भी होगा कि कोई कोई लोग होंगे जिन्हें आता होगा, लेकिन मैंने जो इससे पहले वीडियो से पहले जो पॉइंट बताए थे वो अगर आपने कर लिए तो आपकी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी और आपका ये जो ऊपर टाइटल है टारगेट है ये पूरा कन्फर्म हो जाएगा। ये होता है कि आलसपन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आलस से आपका रोज का टाइम टेबल के हिसाब से आलस से बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आलस से आएगा तो आप मार्क में कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इस टाइम पे वो मैंने करवा दिया और रिवाइज होता रहा। अगर आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो कि परफेक्शन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सीबीएसई में आएगा, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, और हमारे चैनल को लाइक करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमारे पास आपके लिए गिफ्ट भी है, अगर आप शेयर करें तो हमने गिफ्ट भी रखा है। हमारा दूसरा चैनल भी है लेकिन हम इस चैनल पर आ रहे हैं टेक्निकल इशू की वजह से, तो ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ, उस चैनल पे हमें बहुत प्यार मिला है, तो इस चैनल पे प्यार दीजिए।